गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th पे सेकंड पॉइंट आपकी बॉयज होम, इसके पॉइंट है विल्फर्ड गिब्सन, ए ग्रेट इंग्लिश पॉइंट, 1878 में का वर्क हुआ, 1962 में एक्सपायर हुए। इस कविता के माध्यम से पॉइंट ने एक संदेश दिया है कि द नेचर हैज गिवन ए कॉमन गिफ्ट टू ऑल बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फ्रीडम, प्रकृति ने सभी को एक समान रूप से कॉमन उपहार दिया है स्वतंत्रता, और एक दुआ भी है कि पराधीन पर सपने में सूखना, कि जो व्यक्ति किसी के पराधीन होता है उसको सपने में से। यहां कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में, ही इज द ग्रेट बर्ड लवर, वो पक्षी प्रेमी है, He loves natures and appreciate nature, प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति की प्रशंसा करता है। इस बॉयज होम एक छोटी सी कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में जाल में कैद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो अपना पक्षियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उनको पिंजरे में पाल करते हैं। कवि इस थॉट के खिलाफ, इस विचार के खिलाफ कि जितना पक्षी स्वतंत्र रूप से इस आसमान में उड़ता है अर्थात पिंजरे से बाहर आता है, उतना प्रसन्न शायद वो पिंजरे में नहीं रहता है। वो कहता है कि हमें किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाना चाहिए। He favors freedom of the birds. He does not set any snare to catch them. वो कोई भी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता, इसलिए कहता है कि इस हवा में, इस वातावरण में उड़ने वाले सभी पक्षी उसके। Now listen carefully. One by दोनों, पिछले वीडियो में मैंने पहली पोएम में नॉवल नेचर उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, दोनों की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। हाउ काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इफ आस्क्ड इन अ एग्जाम, आई विल एक्सप्लेन। ये पैटर्न बदल दिया 2018 से, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले अपने इस पोएम को पढ़ते हैं। कवि कहता है बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, कवि कह रहा है फर्स्ट लाइन से, क्योंकि मैं किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए, बिकॉज आई सेट, सेट यानी बिछाना, स्नेर यानी होता है जाल, नेट। कवि कहता है कि मैं किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता। अभी मैंने कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों की सोच होती है कि वो कुछ पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, पालते हैं पेट, बट द पॉइंट इज अगेंस्ट ऑफ दिस पॉइंट, because he favors the freedom of the birds, because I set no snare, कभी कहता है कि मैं किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए क्या नहीं बिछाता हूं, जाल नहीं बिछाता हूं, but live यानी छोड़ना, then इसके लिए आया पक्षियों के लिए, flying free यानी स्वतंत्र रूप से, कभी कहता है कि मैं उनको स्वतंत्र रूप से आकाश में, इस limitless sky में उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूं, मैं किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए क्या नहीं बिछाता हूं, जाल नहीं बिछाता हूं। इसीलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का दोनों है, हवा भी है और यहाँ एनवायरमेंट भी है, वातावरण, इसीलिए कभी कहते हैं दोनों लाइनों का दर्द है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, इसीलिए इस हवा में उड़ने वाले सभी पक्षियों का संबंध मुझसे है, अर्थात मैं बहुत सारे पक्षियों का, आई एम नॉट द ओनर ऑफ ए लिमिटलेस बर्ड्स, मैं कोई सीमित पक्षियों का मालिक नहीं हूं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग यानी संबंध है टू मी, ऐसा क्यों कहता है कि बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, क्योंकि मैं किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, बट लिव्स देम फ्लाइंग फ्री, मैं तो उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए आकाश में छोड़ता हूं, इसीलिए इस हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षियों का संबंध मुझसे है, क्योंकि मैं उनको पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, आई एम नॉट द ऑनर ऑफ द लिमिटलेस बर्ड्स, आई एम ऑनर का, मैं जो इस लिमिट के पक्षी जो हैं, आई एम ऑनर नॉट द लिमिट, एक लिमिट वाले जो सीमित पक्षियों का, लिमिटलेस ऑनर द लिमिटलेस। अब उसने इस सेकेंड स्टेंजा में, जैसे कि पिछली पोएम में जो पॉइंट थे उन्होंने दो ऑब्जेक्ट ली नेचर के, एन ऑक ट्री एंड ए फ्लावर ऑफ लिली, यहां भी कवि ने ऑल काइंड ऑल
साइज सभी पक्षियों के बारे में कहा, लेकिन पर्टिकुलर दो पक्षियों को फ्रॉम द ब्लू टिट, ये एक छोटी सी नीलभर कह दो, राम गगरा कह दो, इंडिया के अंदर देहाती क्षेत्र में छोटी सी चिड़िया है, ऑन द स्नो, स्नो का आप देख लेना, ए स्मॉल फ्रॉमी बस, एक छोटी सी कांटेदार झाड़ी, या तो बीयूएस बस कह दो, यानी झाड़ी होती है, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो ज्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ती है, वो हमेशा एक कटेली झाड़ी पर बैठते हैं। तो यहां इस उसमें एंड टू ईगल, ध्यान देंगे ये 2018 में पूछा है कभी ने, विश टू पर्टिकुलर बर्ड्स मेंशन इन दिस पॉइंट, दो कौन से पक्षियों का, सबसे पहले बेटा ब्लू टिट को नीलभर भी कहते हैं, राम गगरा भी कहते हैं, छोटी सी चिड़िया है वो हमेशा एक कटेदार झाड़ी पर बैठी रहती है। दूसरा कौन सा दिया, ईगल, ईगल ये होता है गरुड़, और उसका संबंध किससे है, हाइट से, यानी आकाश में सबसे ऊंचाई, लगभग आसमान की ऊंचाई को छूने वाला पक्षी, इतना ऊंचा कोई पक्षी नहीं उड़ता है, कौन सा उड़ता है, ईगल, जिसको देख करके देहाती क्षेत्र में तो कहते हैं, इसको देहाती क्षेत्र में बेटे चील भी कहते हैं, इसलिए जब आसमान में एरोप्लेन उड़ करके जाता है तो देहाती क्षेत्र में उससे एरोप्लेन को लोग कहते हैं चील गाड़ी, यानी चील की तरह उड़ने वाला, तो ये वो ईगल है गरुड़। तो कवि ने यहां दो पक्षियों का, ब्लूटूट नीलभर पक्षी, अब यूं कह सकते हैं कि कवि ने इस दोनों स्टेजा, इस सेकेंड वाले स्टेजा में ऑल काइंड्स एंड टाइप्स एंड साइज, सभी प्रकार के और सभी आकार के पक्षियों को ध्यान रखा है, वो पहले कह रहा है कि आई एम द ऑनर द लिमिटलेस, ऐसे भी पक्षियों का आधार है। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्नो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लू टिट कहां बैठती है बेटे, ए स्मॉल ऑलवेज शिप और ए स्मॉल फ्रॉम बस, और जो ईगल जो गरुड़ पक्षी है वो आकाश में सबसे ऊंचा उड़ता है, अनकेज्ड बिना पिंजरे के, अर्थात स्वतंत्र रूप से है, छोटी से छोटी चिड़िया से लेकर के उस आसमान की ऊंचाई को छूने वाले पक्षी, दे कम एंड गो, मेरे पास आते और जाते हैं, फ्रॉम माई डिलाइट, यहां डिलाइट का अर्थ है हैप्पीनेस, प्रसन्नता के लिए, डिलाइट देने होती है प्रसन्नता। तो कवि कह रहा है कि जब ये सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते को मैं देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलती है, ये प्रसन्न भी है, व्हाट आर द पोएट्स डिलाइट, कवि की प्रसन्नता क्या है कि when he sees the birds flying free in the limitless sky, जब वो इन पक्षियों को ऐसे ही आकाश में उड़ता हुआ देखता है, he becomes very happy, बहुत खुश हो जाता है, एंड द पोइट सेज दैट, आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे इस पोइम में तो ये लिखना है, द पोइट द फेवर्स द बर्ड्स, द पोइट डज नॉट सेट एनी स्टेट टू कैच द बर्ड्स, या यू कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट द बर्ड ऑफ द एयर belong to the people, the bird of the air belong to the people who set no snare to catch them, इस हवा में उड़ने वाले पक्षियों का संबंध उन लोगों से है जो उनको पकड़ने के लिए कभी जाल नहीं, यहां कवि से है, कवि क्यों कहता है कि छोटी से छोटी राम गगरा उस नीलभर पक्षी से लेकर के आकाश की ऊंचाई को छूने वाले गरुड़ पक्षी बिना किसी भय के, बिना किसी पिंजरे में कैद के, अनकेज, मैंने उनको किसी जाल में नहीं फंसाया है, वो मेरे पास आते और जाते हैं, फ्रॉम माय डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए, या यूं कहें कि कवि जब इन पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखता है तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, बहुत प्रसन्न है, बिकॉज इज द ग्रेट बर्ड लवर, ही फेवर्स दैट फ्रीडम, वो उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में है, ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच देम, तो वो इतना भाव विभोर आगे आ गया। तो थर्ड स्टेज में क्या कर रहा है, एंड सो, ये लाइन जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था, इट इज नॉट, ये ऐसा इसका अर्थ नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण, एंड सो ऐसा ही होता है, इस एंड सो का इसे आपको कंजक्शन से जोड़ा है, एंड सो ऐसा ही होता है, जब इन पक्षियों को देखता हूं तो ऐसा ही होता है, क्या होता है, सन वार्ड में कभी अपने आपे से बाहर हो गए, इन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते देखते हुए इतना भाव विभोर हो गया है कि उसने अपना आपा खो दिया, वो इमेजिनरी करता है,
ये सन वार्ड वे का अर्थ है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की ओर जाओ। तो कभी इमेजिन करता है वो इतना अत्यधिक खुश हो गया है कि उसने अपनी परिकल्पना में उड़ान भरी। क्या? आई सोवर, सोवर एस पया सोवर का होता है फ्लाइट, आई सोवर ऑन द ईगल विंग्स। कभी ये कल्पना करता है कि मैं गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके कहां जा रहा हूं, टुवार्ड्स द सन। यू नो वेरी वेल इट इज नॉट पॉसिबल कि मैन कैन नॉट राइड या कैन नॉट राइड एनी बर्ड्स विंग्स, कोई भी व्यक्ति किसी भी पक्षी के पंखों पर बैठ करके यात्रा नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि एंड सो ऐसा ही होता है। कब होता है? जब वो पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हुए देखता है तो उसको बहुत ज्यादा क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और इस प्रसन्नता के कारण वो एक दूसरा और गजब है कि जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में रहने वाले पक्षियों से प्राणियों से बहुत ज्यादा तालमेल में रहता है तो उसको बहुत अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है। वो प्रकृतिवादी हो जाता, प्रकृति की सुंदरता और उसकी प्रशंसा के, उसकी सुंदरता की प्रशंसा के बिना नहीं रह सकता। तो यहां कवि बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया। कैसे? वो कह रहा है कि दसवार में होगा एंड इन माय हार्ट ऑल डे। देखो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब मैं गरुड़ पक्षी के पंख पर बैठ गया तो मुझे केवल एक ही पक्षी के बारे में, एंड ऑल माय हार्ट ऑल द डे, जब मैं उस गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके सूर्य की ओर जा रहा हूं, ऑल द डे मेरे हृदय में द ब्लू बिट सिंग्स, उस छोटे से नीलभर पक्षी जो आकाश में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, वो छोटी सी चिड़िया और रामकुमार चिड़िया जो हमेशा एक कांटेदार झाड़ी पर बैठी रहती है, उसके गीत मेरे हृदय में गुनगुना कर। यहां तात्पर्य है कि पक्षी के द्वारा बोले जाने वाली आवाज को कोई आवाज नहीं समझता है। अगर कोई पक्षी अपनी आवाज प्रकट करता है वो कवि के लिए गीत है। द ब्लू बिट सिंग्स, या दूसरे अर्थ में कहें कि कवि का ध्यान उस छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के आसमान में उड़ने वाले ईगल पक्षी तक है। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि का एक ही संदेश है कि वी शुड नॉट केस फॉर एनी बर्ड्स, वी मस्ट लिव देम फ्लाइंग फ्री इन द लिमिटलेस स्काई। द पॉइंट इज द ग्रेट बर्ड लवर, ही फेवर्स फ्लाइंग फ्री इन द ओपन स्काई। उनके पक्षधर है कि उनको स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ देना चाहिए। बिकॉज द मैन हु सेट ए स्नेयर, हु सेट एनी नेट टू कैच द बर्ड्स, इज द ओनर ओनली लिमिटेड बर्ड्स, वो सीमित पक्षियों का मालिक है। बिकॉज कवि ने फर्स्ट स्टेंजा की तीसरी लाइन में कहा है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस पूरे वातावरण में या हवा में उड़ने वाली पक्षियों का संबंध मुझसे, बिकॉज फर्स्ट लाइन है आई सेट नो स्नेयर, मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूं। दूसरी लाइन में मैंने बताया ऑल काइंड्स एंड साइज, सभी प्रकार के और सभी आकार के पक्षियों के बारे में उसने विचार किया कि छोटे से छोटी पक्षी, क्या नाम है, ब्लूबर्ड, और आकाश की ऊंचाई को लगभग छूने वाला पक्षी कौन सा बेटा, गरुड़। उन दोनों पक्षियों के बारे को लेकर के कहा कि प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े जीव के बारे में कवि का ध्यान है और कवि इन सबको प्रेम करता है। अनकेज्ड, बिना किसी पिंजरे के, बिना किसी जाल के वो कवि के पास आते और जाते हैं, इसलिए कवि को क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। अब आपके प्रश्न भी आया 2018 के, हु अट्रैक्ट्स द पॉइंट द बर्ड्स व्हेन ही सीज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द ओपन स्काई, दैट सीन अट्रैक्ट्स हिम, ये दृश्य उसको आकर्षित करता है, इट गिव्स हिम डिलाइटेड, ये ही चीज, ये दृश्य उसको प्रसन्नता देता है। बिकॉज यू आर द ग्रेट बर्ड लवर, यू आर द ग्रेट नेचर लवर, वो बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी है। तीसरे में वो कह रहा है कि जब मैं इन सब चीजों को देखता हूं तो वो आवश्यकता से अधिक भाव विभोर हो गया, प्रसन्नता में डूब गया और वो ऐसी इमेजिनरी करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल, ए मैन कैन नॉट शो अप एनी बर्ड्स विंग्स, बट द पॉइंट इज इमेजिन दैट, कवि कल्पना करता है कि आई एम श्योर ऑन द ईगल विंग्स, कि मैं गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके कहां जा रहा हूं, सूर्य की ओर जब मैं जा रहा हूं तब मेरे पूरे दिन मेरे हृदय में एंड इन माई हार्ट ऑल डे
कौन से पक्षी के गीत गुनगुना रहे थे? उस ब्लूटूथ के जो छोटी सी झाड़ी पे बैठी रहती है, अर्थात पक्षियों की भाषा कवि के लिए गीत है, आनंददायक है। तो ये आपकी दो पॉइंट हो गई है, दोनों पॉइंट की पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में जब स्टेंजा पूछताछ कब करता है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। बाकी जो पीडीएफ में तो जो पैटर्न है बेटे, वो पैटर्न आपके फोर्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30-40 वर्ड्स के। उन प्रश्नों में से चार में से आपको कितना करना है, तीन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपके 30-40 वर्ड्स पोएट्री सेक्शन में से चार प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन की छूट रहेगी, एक क्वेश्चन दो नंबर का रहेगा, तीन करने हैं। लेकिन स्टेंज आएगा जहां से सी सेक्शन प्रारंभ होता है, वहां किसी भी कविता के में से दो स्टेंजा होंगे, चार जिसको स्टेंजा कहते हैं, मान लो चार लाइन आ गया, इनमें से दो प्रश्न पूछेगा आपसे। अब इन प्रश्नों का तरीका बता रहा हूं आपको।